विश्व शरणार्थी दिवस के मौके पर सिंधी शरणार्थी भाजपा प्रवक्ता से मिले और कहा कि शरणार्थियों को जल्द भारत की नागरिकता मिलनी चाहिए। पाकिस्तान में हिंदुओं पर लगातार बढ़ते अत्याचार और उनका जबरन धर्म परिवर्तन करवाने की घटनाओं के बाद पाकिस्तान में रह रहे ज्यादातर हिंदू सिंधी अब भारत आकर बसना चाहते हैं। केंद्र में मोदी सरकार के आने के बाद पाकिस्तान में रह रहे सिंधियों के लिए भारत की नागरिकता लेना आसान हुआ है। इसी बात को लेकर पाकिस्तान से आए सिंधी शरणार्थियों ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता और संस्था सेवा के अध्यक्ष दुर्गेश केसवानी के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को धन्यवाद दिया। इस अवसर पर भाजपा प्रवक्ता ने सभी का शॉल श्रीफल से सम्मान किया और बताया कि मोदी सरकार भारत ही नहीं बल्कि विदेश में भी रह रहे उन लोगों का भला चाहती है जो कहीं ना कहीं भारत से जुड़े हैं और भारत का विकास चाहते हैं। आजादी के पहले तक पाकिस्तान भारत का ही हिस्सा था और वहां रहने वाला हर व्यक्ति भारतीय था, लेकिन देश आजाद होने के बाद पाकिस्तान में बसे हिंदू समाज के लोगों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार ये कट्टरपंथी सिंधी, हिंदू, पंजाबी और अन्य लोगों की हत्या कर देते हैं, जिसके बाद पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं के मन में भय व्याप्त हो गया है। कुछ समय पहले तक पाकिस्तान से आए शरणार्थी भारत तो आ जाते थे, लेकिन उन्हें भारत की नागरिकता हासिल करने में बहुत परेशानी होती थी। कई बार तो मजबूरन उन्हें पाकिस्तान तक लौटना पड़ता था, लेकिन मोदी सरकार के आते ही इन परेशानियों का समाधान तेजी से किया गया है। पूर्व विदेश मंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज ने नियमों को सरल कर दिया था। उन्होंने पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को नागरिकता देने का पावर सीधे कलेक्टर के हाथ में दे दिया था। इसके बाद शरणार्थियों को तेजी से नागरिकता मिलने लगी और 2 वर्ष पूर्व अस्तित्व में आए सीए कानून के बाद पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान या कहीं भी बसे हिंदू पंजाबी लोगों को भारत की नागरिकता मिलना सुलभ हुआ है। इस दौरान भाजपा प्रवक्ता दुर्गेश केसवानी ने सभी से वैक्सीन लगवाने की अपील की है। देखिए, ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जिनकी नागरिकता में कहीं कोई उनके कार्यों में कोई कमी है, उनको पूर्ण किया जा रहा है, पर जो परिवार आते हैं और जो अपनी अपनी वेदना सुनाते हैं, निश्चित रूप से कलेजा पसीज जाता है उनको सुन के। उनके उनकी बेटियों को अगवा कर दिया गया वहाँ पे, उनके उनके घर जला दिए गए, उनके धार्मिक स्थल जला दिए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से भी मैं निवेदन करता हूँ कि उन चीज़ों को संज्ञान में लें और जो वहाँ पे अल्पसंख्यक रह रहे हैं पाकिस्तान में, उनकी सुध ली जाए। उनपे सांस्कृतिक आक्रमण भी किए गए और उसके साथ साथ आप देखेंगे कि धर्म विरोधी भी उनसे बातें की गई, उनके मंदिर तोड़े गए, अनेकों अनेक प्रताड़नाएं, उनको दुख, उनको तकलीफ, उनको वेदनाएं दी गई। और उसी के तारतम्य में जब वहाँ पे जब हिंदुओं के हितों की रक्षा नहीं की गई पाकिस्तान में, तो वो लोग भारत आए और भारत में नागरिकता के आशय से आए। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।